जय हिंद दोस्तों, मैं निशांत कुमार, गर्दनी बाग फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम इस बात करेंगे, जितने भी कैंडिडेट फायरमैन में दौड़ फिजिकल पास किए हैं, लड़का हो या लड़की, तो उन्हें उम्मीद होगी और ये हो रहा होगा कि कब उनका रिजल्ट कब आने वाला है। तो आपको हम बता देंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है। दूसरा चीज़ कि जितने कैंडिडेट लड़की हो या लड़का पास किए हैं, उनको धड़कन तेज हो चुका होगा कि जैसे ही मद निषेध का रिजल्ट आ गया तो उन सबका धड़कन थोड़ा सा और ज़्यादा तेज हो गया हो कि मेरा क्या होगा और कब रिजल्ट आएगा। थोड़ा डर तो हो गया होगा, पर आप टेंशन ना लें, आप लोग का भी रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। तो जो कैंडिडेट आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जिनको लोग का कॉल जाएगा या बुलाया जाएगा, तो आप लोग का मोबाइल जो है ऑन रखेंगे अभी, क्योंकि कब आपको कॉल जाएगा वो इसका कोई गारंटी नहीं है। और जिन वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट ओबीसी या जो भी नाम में दिक्कत होगा वो कैंडिडेट को ज़रूर कॉल जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और जो कैंडिडेट का कोई चीज़ में दिक्कत नहीं है तो उनको कॉल नहीं जाएगा। और एक चीज़ है कि अगर किन्हीं का कॉल जाने लगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा नहीं आएगा। अगर आपका नहीं आता है तो समझिए कि आपका वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी अगर आपका वेरिफिकेशन यहाँ हो चुका और कोई नाम या कोई चीज़ में गलत नहीं है तो आपको वेरिफिकेशन दोबारा नहीं किया जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर, अगर मान लीजिए कि मेरा कुछ मिसमैच है या आवासीय में कोई प्रॉब्लम था या नया वाला दे दिए हैं, ऐसा कुछ है, उस सब चीज़ वो देख लेता है। और अगर गलत रहता है तो खुद से कॉल करता है। ये टेंशन आपको नहीं लेना है और ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर जो भी होता है वो कॉल आता है, बस आप अपना मोबाइल ऑन रखेंगे, और मोबाइल ऑन रखेंगे तो आपको कॉल ज़रूर जाएगा अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो। और दूसरा चीज़ कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट, तो देखिए संभावना आपका ये है कि दिसंबर लास्ट वीक में 25 तारीख को, डेट हम नहीं बताना चाहते लेकिन हमें लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट एकदम दिसंबर में आने की चांस है, जो कि फायरमैन का रिजल्ट। और न्यू वैकेंसी भी आपका दिसंबर में ही आने की चांस है बिहार पुलिस का। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं डिफेंस का, तो आपका जीडी का भी आ चुका है और सीट भी बढ़ चुका है, तो आप लोग भी उसमें भी फॉर्म भर दें। और एक चीज़ और है कि अगर एक तारीख से आप मद निषेध के लिए बैच, आप न्यू बैच लेना चाहते हैं, तो एक तारीख से मेरा गर्दनी बाग में आपका बैच चल रहा है और एक तारीख से न्यू बैच चालू होगा। और हॉस्टल की सुविधा है, और हॉस्टल में आपको जो भी सुविधा दिया जाएगा आप कॉल करके कंफर्म करेंगे, और आपको एक सीट आप रखें, और हम आपको गारंटी लेते हैं कि आपका हर मुसीबत में जो भी आपका कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। और गर्दनी बाग में आपको जितने भी कैंडिडेट हमारे पास करते हैं उनको लगभग का मेरिट इसलिए बनता है, दो कारण है। पहला कारण है कि आपको हार्डवर्क के साथ, आपको हर लड़के के पास खुद जाकर और खुद साथ में दौड़कर हम सब ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा चीज़ कि आप गर्दनी बाग में जब आप फिजिकल देंगे तो आपको नया नहीं लगेगा, वो पुराना लगेगा कि हमारा होम ग्राउंड है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और 1600 का ग्राउंड ट्रायल आपको हर सप्ताह में लिया जाता है, और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको सप्ताह में दो बार ट्रायल होने लगता है, और दो शाम और सुबह दोनों टाइम आपका दौड़ किया जाता है। तो आप जितने भी कैंडिडेट जुड़ना चाहेंगे तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप एक तारीख से न्यू बैच के लिए जुड़ सकते हैं। निशांत गर्दनी बाग फिजिकल एकेडमी आपको 100% देंगे रिजल्ट, आपको नो डाउट। अगर आपको कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं सर, आप में जो भी कमी है वो आप हमको मुँह पर बोलिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, तो आप लोग का जो भी कमी होगा हम पूरा करेंगे। धन्यवाद, और बस।